जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार किसान भाइयों। फिर से हम लोग जानने वाले हैं आज का ताज़ा सरसों भाव, एवं हम लोग साथ में जानेंगे अगले 10 दिनों में सरसों का भविष्य कैसा रहने वाला है। अगले 10 दिनों के अंदर क्या सरसों 9000 का आंकड़ा को पार करेगी या नहीं। ऑलरेडी 8400 का आंकड़ा सरसों पार कर चुकी है, अब 9000 का आंकड़ा पार करती है या नहीं, ये देखने वाली बात है। उससे पहले हम लोग जानते हैं आज का ताज़ा सरसों का भाव, आज कितनी मंडी में सरसों का आज भाव रहा। देवली में 6600 रुपये क्विंटल से 7210 रुपये क्विंटल, मालपुरा में 7001 रुपये क्विंटल से 7451 रुपये क्विंटल, बयाना में 7056 रुपये क्विंटल से 7319 रुपये क्विंटल, गोलूवाला में 6201 रुपये क्विंटल से 6820 रुपये क्विंटल तक, वहीं सूरतगढ़ में 6724 रुपये क्विंटल से 6771 रुपये क्विंटल तक, लालसोट की मंडी में 6650 रुपये क्विंटल से 7480 रुपये क्विंटल तक, जोधपुर में 6300 रुपये क्विंटल से 6400 रुपये क्विंटल तक, बारा में 6967 रुपये क्विंटल से 7170 रुपये क्विंटल तक, इटावा में 6915 रुपये क्विंटल, खानपुर में 6500 रुपये क्विंटल से 7300 रुपये क्विंटल तक, कोटा में 6701 रुपये क्विंटल से 7036 रुपये क्विंटल तक, स्वयं माधोपुर में 6900 रुपये क्विंटल से 7090 रुपये क्विंटल, श्रीगंगानगर की मंडी में 6816 रुपये क्विंटल से 6971 रुपये क्विंटल तक, प्रतापगढ़ में 6800 रुपये क्विंटल से 6900 रुपये क्विंटल तक, बसी में 6680 रुपये क्विंटल से 6680 रुपये क्विंटल तक ही, सिरसा काफ़ी पॉपुलर मंडी 6300 रुपये क्विंटल से 6885 रुपये क्विंटल, भुना 6950 रुपये क्विंटल, भरतपुर 7380 रुपये क्विंटल, दिल्ली 7450 रुपये क्विंटल से 7475 रुपये क्विंटल, शिवानी 6950 रुपये क्विंटल। ये थी आज का ताज़ा सरसों का भाव, बाकी सरसों का भाव शाम को बताऊंगा सरसों का रिपोर्ट में। फिलहाल अभी 8400 का आंकड़ा सरसों पार कर चुकी आगरा की सलोनी अलवर शमशाबाद मंडी में, आगे देखिए क्या होता है। हालांकि एक से दो सप्ताह के बाद शायद 9000 का आंकड़ा को सरसों पार कर सकती है, अभी कहना मुश्किल है दोस्तों, मगर देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा सरसों की चल रही है मार्केट में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।